ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू के बिश्नाह में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी के कश्मीर से जुड़ी यादों का जिक्र किया और कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को अपनी राजनीति का मोहरा बना लिया है। मैं यहां आती हूं तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती है। बार मैं देखती हूं, गाड़ी से देखती हूं या किसी से मिलती हूं, कहती हूं तो ऐसा लगता है कि मेरी बहन है, तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का, जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जू जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गए। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपने अपनी धरती का बुलावा था। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती, आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।